हे गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर टेन दैट इज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सो लेट्स स्टार्ट माइक्रोसॉफ़्ट ऑफिस एक्चुअल में होता क्या है इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे ठीक है तो फर्स्टली ये जो डेवलप हुआ था बाय माइक्रोसॉफ़्ट इन नाइनटीन एटी एट में ये जो है फर्स्ट डेवलप हुआ था ये कलेक्शन ऑफ सॉफ़्टवेयर्स होता है जो बेस्ड होता है किसी भी स्पेसिफ़िक पर्पज़ पे ठीक है यहाँ मतलब मेनली इसको यूज़ किया जाता है ऑफिस वर्क के लिए आप इसको जो स्टार्ट कर सकते हो इज़िली सॉफ्टवेयर ऑफ एम एस ऑफिस बाई यूजिंग स्टार्ट बटन स्टार्ट बटन से ही आप इसको क्या कर सकते हो ओपन कर सकते हो फाइव पैकेज हैं एम एस ऑफिस के पहला आता है एम एस वर्ड ठीक है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जिसको बोलते हैं एमएस एक्सेल आता है जिसको स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं एमएस पावर पॉइंट आता है जिसको प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं एमएस डेटा बेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एंड एमएस आउटलुक ई मेल क्लाइंट ठीक है उसके सबसे पहले आता है आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एम एस वर्ड एम एस वर्ड जो है ये वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है जो सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट एंड वाइडली यूज एप्लीकेशन है जो कंप्यूटर में पाई जाती है ये प्रोवाइड करती है टूल्स किसके लिए एडिटिंग के लिए फॉर्मेटिंग के लिए प्रिंटिंग के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट हो चाहे वो छोटा हो 45 फाइव के बी से जो जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो पोस्टर्स जो हैं पोस्टर्स हो सकते हैं रिपोर्ट्स लेटर्स ब्राउचर वेब पेजेस न्यूज लेटर एट्सट्रा एग्जाम्पल जैसे आया वर्ड स्टार नोट फॉर विंडोज़ ओके okay. उसके बाद में आता है आपका स्टार्ट एम एस वर्ड तो यहां पे दो मैथड्स हैं स्टार्टिंग एमएस वर्ड जो फॉलो किए जाते हैं फर्स्ट आता है क्लिक ऑन स्टार्ट बटन एंड देन क्लिक ऑन रन ऑप्शन आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है रन ऑप्शन पे क्लिक करना है फिर रन डायलॉग बॉक्स विल बी अपेयर ऑन द स्क्रीन वहां पे एक डायलॉग बॉक्स आपको दिखेगा नाउ टाइप विंड विंड वर्ड ऑन टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट बॉक्स पे आपको विंड वर्ड लिखना है और प्रेस करना है एंटर की और सेकंड वे है आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लिक करना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 पे पर क्लिक कर देना है ठीक है इट ओपन्स एम एस वर्ड विद अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट बाई डिफॉल्ट द नेम ऑफ ब्लैंक डॉक्यूमेंट इज डॉक्यूमेंट वन डी ओ सी एक्स वेयर डी ओ सी एक्स आर द एक्सटेंशन ऑफ एम एस वर्ड फाइल ठीक है तो वहाँ पे जो खुलकर के आपके पास में आता है एमएस वर्ड में वो एक ब्लैक डॉक्यूमेंट होगा और उसका बाई डिफॉल्ट नाम जो उसमें डॉक्यूमेंट का होता है वो होगा डॉक्यूमेंट वन डी ओ सी एक्स और जहाँ पे डी ओ सी एक्स क्या होगा एक्सटेंशन होगा जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एक्सटेंशंस क्या होते हैं ठीक है जैसे टी एक्स टी का टेक्स टेक्सट का एक्सटेंशन हो सर टी एक्स टी इस तरीके से डी ओ सी एक्स जो है ये भी एक्सटेंशन है डॉक्यूमेंट्स का सो so, उसके बाद में आपका आ जाता है कंपोनेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कंपोनेंट क्या है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के तो uh, नीचे दिए गए हैं जैसे फर्स्ट वन आ जाता है आपका टाइटल बार टाइटल बार क्या होता है टाइटल बार जो है वो नेम ऑफ द एप्लीकेशन शो करता है नेम ऑफ़ द फाइल जैसे आप कोई भी फाइल बना रहे हो लाइक आप गेमिंग पे बना रहे हो तो आपका जो टाइटल होगा उसका ठीक है अगर आप कोई प्रेजेंटेशन पे बना रहे हो कुछ तो उस तरीके का जो भी आपका फाइल का नेम होगा उसको बोलते हैं टाइटल बार उसमें तीन आ, क्या होते हैं कंट्रोल बटन्स होते हैं फर्स्ट वन आता है मिनिमाइज़ करने का रिड्यूस करने का विंडो को ठीक है और रिस्टोर करने का मैक्सिमम ओरिजिनल में मतलब अगर आपने विंडो को जो मिनिमाइज कर दिया अब आपको रिस्टोर करना मतलब उसको वापस से उसी साइज में लेके आना और उसके बाद में सी आता है आपका क्लोज बटन विंडो को क्लोज करने के लिए ये ये जो तीन आ, इसमें है कंट्रोल बटन so, उसके बाद में आपका सेकंड आता है स्टैंडर्ड टूल बार स्टैंडर्ड टूल बार क्या होता है ये डिस्प्ले करता है सिम्बल्स को कॉमन ऑपरेशन जैसे ओपन प्रिंट सेव के लिए आप स्टैंडर्ड टूल बार का यूज करते हो उसके बाद में आता है रिबन थर्ड वन इज रिबन इट इज़ अ सेट ऑफ़ टूल्स एंड कमांड्स अक्रॉस द टॉप ऑफ द स्क्रीन इट कंसिस्ट ऑफ पैनल ऑफ कमांड्स विच आर ऑर्गेनाइजड इन टू सेट ऑफ टैब्स ये क्या है सेट ऑफ टूल्स है या फिर और कमांड्स अक्रॉस करता हूँ द टॉप ऑफ द स्क्रीन पर ठीक है इसमें कंसिस्ट होते हैं पैनल ऑफ कमांड्स विच आर ऑर्गेनाइज इन टू सेट ऑफ टैब्स फोर्थ वन आता है आपका टैब टैब क्या होता है ऑन द रिबन इट कंटेन्स द बटन नीडेड टू एडिट करेक्टर्स टैक्स लेआउट टैब पे आप आ, मतलब रिबन पे आप क्या कर सकते हो टैब टैब पे रिबन रिबन पे क्या कर सकते हो इसमें कंटेन होते हैं बटन जो चाहिए होते हैं एडिट करैक्टर्स के लिए टैक्स के लिए और लेआउट्स के लिए उसमें आपका आ जाता है होम टैब टैब्स में जो आते हैं होम टैब आता है होम टैब में क्या होता है कंसिस्ट ऑफ क्लिप बोर्ड मतलब कट कॉपी पेस्ट वाला फॉन्ट फॉन्ट में क्या आएगा आपका साइज कलर बोल्ड टैलिक अंडरलाइन करना ठीक है उसके बाद पैराग्राफ्स पैराग्राफ्स में वही वर्ड्स नंबरिंग एंड इंडेंट स्टाइलिंग आती है स्टाइल्स आता है एडिटिंग आती है फाइंड एंड रिप्लेस का आता है उसके बाद बी आता है आपका आपका इंसर्ट इंसर्ट टैब टैब में में क्या कंसिस्ट पेजेस पेजेस लाइक कवर पेज ब्लैंक पेज पेज ब्रेक कुछ इस तरीके से आते हैं ये जो उसके बाद आते हैं आपका टेबल्स टेबल्स में टेबल आता है इलिस्ट्रेशन इसमें आता है आपका पिक्चर क्लिप आर्ट शेव स्मार्ट आर्ट चैट्स ठीक है लिंक्स में आता है आपका picture, हाइपर लिंक uh, और बुक मार्क क्रॉस रेफरेंस ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं हेड फुट ठीक है uh, head, header, foot, ये सब आता है टेक्स्ट में टेक्स्ट बॉक्स डेट टाइम ऑब्जेक्ट सिंबल्स में इक्वेशन सिंबल इस तरीके से सी आता आपका पेज लेआउट तो इसमें कंसिस्ट होता है पेज लेआउट में क्या ही कंसिस्ट हो सकता है सबको पता है ना जैसे थीम्स हो गए पेज का सेटअप हो गया पेज का बैकग्राउंड हो गया उसके पैराग्राफ को कैसे अरेंज करना है तो मैं स्टार्टिंग कहाँ से चाहिए तो मैं किस पैटर्न में आपके जो है चाहिए पेजेस वैसे वैसे ही कुछ होता है रेफरेंस टैब में क्या हो सकता है आपका इसमें कंसिस्ट होता है आपका टेबल ऑफ कंटेंट उसका फुट नोट्स ठीक है स्टेशंस एंड बिब्लियोग्राफी कैप्शंस एंड एक्स टेबल ऑफ अथॉरिटी इस टाइप की चीज़ें उसके बाद आपका आता है ई मेलिंग टैब मेलिंग टैब में क्या क्या कंसिस्ट uh, होता है इसमें आता है आपका क्रिएट स्टार्ट मेल मर्ज राइट एंड एंसर्ट फील्ड रिव्यू रिजल्ट एंड फिनिश एफ आपका है रिव्यू टैब रिव्यू टैब में आता है कंसिस्ट ऑफ प्रूविंग जैसे स्पेलिंग एंड ग्रामर्स थ्रीजर्स ट्रांसलेट कमेंट ट्रैकिंग चेंजेस कंपेयर प्रोटेक्ट इस तरीके का उसके बाद आपका जी है आपका व्यू टैब व्यू टैब में जैसे कि आप आपके अगर डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप उनको व्यू कर सकते हो मतलब देख सकते हो प्रिंट देख सकते हो लेआउट फुल स्क्रीन रीडिंग शो हाइट जूम विंडो मैक्रोज एट्सट्रा इस तरीके का लाइक आपका ये फिगर है यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ पे जो बटन होता है ना ये ये जो बॉक्स इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे सेव बटन होता है यहाँ पे प्रिंट व्यू प्रिंट अप होता है जो आपने प्रिंट आप उसको देख सकते हो यहाँ पे आपका रिबन होता है ठीक है यहाँ पे कर्सर है ये कर्सर है यहाँ पे कर्सर तो कहीं भी हो सकता है लाइक इधर भी हो सकता है कहीं भी हो सकता है ये आपका फॉर्मेटिंग टूल बार है मतलब ये वाला टूल बार जो है ये इसका आपको कौन सा फॉर्मेट चाहिए आपको यहाँ से आप ये वाले ऑप्शन में से आप देख सकते हैं करंट पेज लोकेशन आपको यहाँ से पता चल जाती है कि अगर आपकी पी डी एफ खुली है या जो भी है आपने कैसे अरेंज करें पेज नंबर वन ओपन है पेज नंबर टू ओपन है यहाँ पे आपका टास्क बार होता है यहाँ पे आपका हॉरिजेंटल स्क्रोल बार होता है मतलब इस तरीके से आप मूव कर सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे मूव कर सकते हैं इस तरीके से कर सकते हैं यहाँ पे आपका डिवीजन बाय पेज होता है कितने कितने पेजेस में डिवाइड है आपका यहाँ पे जूम जूम इन जूम आउट होता है यहाँ पे आपके वर्टिकल स्क्रोल बार होता है मतलब यहाँ यहाँ पे रख के आप इसको प्रेस करके नीचे करते हैं तो आपकी ये वाला पेज ऊपर चला जाता है फिर नीचे वाला नीचे वाला जो स्क्रोल होता है ना वो दिखता है उसके बाद में यहाँ पे आपके कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं ठीक है जैसे फाइंड रिप्लेस वाले ये वाले फीचर्स उसके बाद में यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे होता है ये ऑप्शन ये ऑप्शन होता है क्लोज का फिर यहाँ पे हेल्प का है मिनीमाइज़ का है मैक्सीमाइज़ का है सो so, उसके बाद आपका ये मेन्यू बार आ जाता है यहाँ पे आपका टाइटल बार आ जाता है कि कौन सा डॉक्यूमेंट है डॉक्यूमेंट का नाम क्या है तो ये आपका आ गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विंडो ठीक है इस तरीके का विंडो होता है उसका उसके बाद में आपका आता है रूलर रूलर क्या होता है ये जो है टॉप ऑफ द विंडो पे ही दिख जाता है ये अलाउ करता है फॉर्मेट को हॉरिजेंटल और वर्टिकल अलाइनमेंट में मतलब कि ये जो मैंने आपको दिखाया था ये यहाँ से आप प्रेस करके इस डॉक्यूमेंट को अगर आप यहां पे प्रेस करते हैं तो इसको इधर कर सकते हैं और इधर से वापस इसको इधर कर सकते हैं और ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है आप इस पर लॉन्ग प्रेस करके इसको स्क्रोल कर सकते हैं नीचे को तो ये आपका आ जाता है रूलर उसके बाद में आता है आपका दो टाइप्स के रूलर होते हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ हॉरीजेंटल और वर्टिकल वर्टिकल जो ये वाले हैं हॉरिजेंटल जो है ये वाले हैं ठीक है ठीके? ये मतलब आगे पीछे करने के लिए स्क्रोल करने के लिए उसके बाद में आता है आपका स्टेटस बार स्टेटस बार क्या डिस्प्ले करता है इन्फॉर्मेशन जैसे पेज नंबर कौन सा है जो मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुकी हूँ जो बिल्कुल ये था इसके साइड कॉर्नर पर था यहाँ पर पे आपका पेज नंबर शो हो जाता है कि वन ऑफ टू अगर आपकी टू पेजेस हैं उसमें से वन पेज नंबर आपका ओपन है या फिर टू ऑफ फाइव कि आपके टोटल फाइव में तो सेकेंड पेज आपका खुल रखा है ठीक है इस तरीके का होता है वो आपका खुला हुआ पेज नंबर करंट पेज खुला कौन सा टोटल पेज नंबर कितने हैं पेज कौन सा मतलब करंट पेज कौन सा खुला हुआ है कौन सा टेम्पलेट उसमें यूज़ हुआ है कॉलम नंबर कौन सा है लाइन नंबर ये सब चीज़ें उसमें गिवन होती हैं स्टेटस बार में ठीक है उसके बाद में आपका आ जाता है वर्क एरिया तो वर्क एरिया क्या होता है जो रेक्टेंगुलर एरिया होता है ना डॉक्यूमेंट का जहां पर आप टाइप टेक्स्ट कर सकते हो लाइक आपका ये वाला पोर्शन जो है वर्क एरिया या ये वाला पोर्शन जो है ना ये आपका वर्क एरिया यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो जो भी आपको करना है आप इसी में करोगे यहाँ से तो आप ऑप्शंस देखते हैं ठीक है यहाँ से आपको ऑप्शंस मिलेंगे ये वाले आपको ऑप्शंस मिलेंगे लेकिन ये जो ब्लैंक एरिया है बीच में यहाँ पे आप वर्क करते हैं तो ये आपका आ जाता है वर्क एरिया उसके बाद में वर्क एरिया को वर्क प्लेस भी बोला जाता है ठीक है कर्सर कर्सर सबको ही पता है ना इंसर्शन पॉइंटर जो होता है इस तरीके का जो पॉइंटर होता है उसको जिस, जिस मतलब अगर आपने कोई भी एप्लीकेशन है कुछ भी करना है आप उसको पहले उस पर कर्सर लाओगे फिर आप डबल क्लिक करोगे तो वो ओपन हो जाता है तो ये आपका आ जाता है कर्सर ठीक है उसके बाद में आपका आ जाता है फीचर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो क्या क्या फीचर्स हैं फर्स्ट आपका आता है टेक्स्ट एडिटिंग का टेक्स्ट एडिटिंग ये प्रोवाइड करता है आपको एडिशन करना एडिंग करना टेक्सट को डिलीट अगर आप उसको एडिट करना चाहते हो उसमें कुछ ऐड करना चाहते हो टेक्स को डिलीट करना चाहते हो मॉडिफाई करना चाहते हो कंटेंट को अपने कट कॉपी पेस्ट करके तो आप टेक्स्ट एडिटिंग से वो कर सकते हैं फॉर्मेट टेक्स्ट uh, जो है इसमें ये आपको क्या ऑफ़र करता है फॉर्मेट टेक्स्ट जो है हंडर ऑफ़ टेक्स्ट डिज़ाइन कि किस डिज़ाइन में आप अपना टेक्स्ट रखना चाहते हो ये सब चीज़ें आपको वो ऑफ़र uh, करता है उसके स्टाइल्स आपको बोल्ड रखना है अटैलिक रखना है अंडरलाइन रखना है या किस तरीके का आपको फॉर्मेट चाहिए टेक्स्ट का मतलब टेक्स्ट मतलब जो आपने लिखा होता है उसमें उसके बाद में आता है इंडेंटेशन इंडेंटेशन क्या होता है इंडेंटेशन जैसे ये ही है ठीक है आप ये वाला पैराग्राफ मान के चलिए इसमें जो स्पेसिंग है ना दो लाइन्स के बीच में जो स्पेसिंग है आपको कितनी रखनी है लाइक ये वाली जो स्पेसिंग है ना जैसे अगर मैं ये वाला पैराग्राफ मान के चलती हूँ एक मिनट में प्ले रिमूव कर लेती हूँ सारा जैसे मैंने ये वाला पैराग्राफ मान के चली तो मुझे ये इनके बीच दो लाइंस के बीच में जो डिफरेंस देखना है कितना डिस्टेंस है इसको बोलेंगे इंडेंटेशन ठीक है किस तरीके का पॉजिटिव हैंगिंग नेगेटिव इंडेंट किस तरीके का आपको रखना है पेज ओरिएंटेशन ये आपको जो है पेज ओरिएंटेशन में आपको इसमें मतलब आपको पता चलता है किस तरीके की ओरिएंटेड आपकी पोर्ट्रेट वर्टिकली है लैंडस्केप ऑरिजेंटल ओरिएंटेड है किस तरीके का आपको पेज को दिखाना है उसके बाद में आपका फिफ्थ वन आता है फाइंड एंड रिप्लेस तो इस फीचर में आप आ, मतलब इतना अलाउ करता है आपको फ्लेक्सिबिलिटी और कंफर्ट यूज़र को रिप्लेस करने में किसी भी टेक्स्ट को या उसको फाइंड करने में ठीक है उसके बाद में आपका आ जाता है स्पेल चेक स्पेल चेक ये जो है आपका ऑटोमेटिक मैनुअल चेकिंग होती है स्पेलिंग मिस्टेक अगर होती है तो वहाँ पे रेड लाइन हो जाती है या कोई भी कलर की लाइन हो जाती है मैक्सिमम रेड ही होती है अगर आपने कुछ लिखा हुआ है और वो स्पेलिंग गलत है कंप्यूटर के हिसाब से तो वहाँ पे रेड लाइन हो जाती है वो अंडर हो जाता है या फिर आपको कोई ऐसे इंडिकेट मिल जाता है कि यहाँ पे कुछ इनकरेक्ट है इस तरीके का उसके बाद में ये स्पेल चेक हो गया उसके बाद में आपका थ्रीजर्स इसमें क्या होता है कंप्रीहेंसिव डिक्शनरी होती है जिसमें जो आपको सिनोनियम्स वाले ऑप्शन जो है वो प्रोवाइड कराती है उसके बाद में आपके बुलेट्स एंड नंबरिंग होते हैं बुलेट्स एंड नंबरिंग में कौन से फीचर्स होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हो टेबल में लिस्ट बना रहे हो अगर पेजेस के ठीक है टेबल ऑफ कंटेंट बुलेट्स आर अरेंज इन अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड नंबरिंग आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ लिस्ट इस तरीके है ग्राफिक्स में ग्राफिक्स से ही पता चल जाता है कि कुछ पिक्चर्स वाला है तो ये आपको प्रोवाइड करता है इन कॉपरेटिंग में डॉक्यूमेंट विच एनहैंस देयर यूजफुलनेस अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन है कुछ भी बनाना है कुछ भी करना है आपको उसमें आपको पिक्चर जो है ग्राफिक्स में चाहिए थोड़ा कुछ तो आप उसमें एड ऑन कर सकते हो उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग ओ एल ई ये जो है प्रोग्राम इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी का जो यूज़ किया जाता है इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए बिटवीन द प्रोग्राम थ्रू द ऑब्जेक्ट ठीक है ऑब्जेक्ट सेव एंटिटीज लाइक जैसे चार्ट्स हो गए क्वेश्चन वीडियो क्लिप्स ऑडियो क्लिप्स पिक्चर्स इस तरीके का उसके बाद में आता है आपका हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल स्क्रोल बैल तो ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ हॉरिजेंटल जो है जैसे लाइक like, ये पेज इस तरफ मूव हो रहा है ठीक है ये मैंने जूम कर रही हूं ना इस तरीके से उसमें क्या होता है कि हम इधर लेफ्ट राइट उसको मूव कर सकते हैं तो उस तरीके का ये स्क्रोल बार ऊपर नीचे कर सकते हैं जैसे, जैसे मैं ऊपर नीचे कर पा रही हूँ पेज को और लेफ्ट राइट में भी उसको स्क्रोल कर सकते हैं हॉरिजेंटली भी और वर्टिकली भी सेव अ डॉक्यूमेंट वेन एवर वी क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट इट विल बी सेव्ड इनटू हार्ड ड्राइव टू सेव डॉक्यूमेंट यूजर हैज थ्री कॉमन वेज कौन कौन से वेज होते हैं अगर आप कुछ भी बना रहे हो कुछ भी कर रहे हो अपने कंप्यूटर में कुछ भी आपने न्यू डॉक्यूमेंट बनाया तो उसको आप सेव कर सकते हो अपने हार्ड ड्राइव में कौन कौन से वे से कर सकते हो आप क्लिक करो सेव ऑप्शन पे फ्रॉम फाइल मेन्यू फाइल मेन्यू से आपको सेव ऑप्शन पे क्लिक करना है सेव हो जाएगा सेलेक्ट सेव बटन फ्रॉम द स्टैंडर्ड टूल बार से भी आप सेव करो तो हो जाएगा या प्रेस करोगे आप कंट्रोल प्लस एस कंट्रोल प्लस एस की को करोगे तो तब भी वो सेव हो जाएगा उसके बाद में आ जाता है आपका ट्रेडबिट्स एम एस वर्ड वॉज फर्स्ट रिलीज इन 1983 में पहले रिलीज हुआ था अंडर द नेम मल्टी टूल वर्ड फॉर एक्सन सिस्टम इन एमएस वर्ड डिफॉल्ट अलाइनमेंट फॉर द पैराग्राफ इज लेफ्ट वर्ड हैज लिस्ट प्रीडिफाइंड टाइपिंग स्पेलिंग कैपिटेशन एंड ग्रामर एरर्स एंड ऑटोकरेट कैन डिटेक्ट एंड करेक्ट उसके बाद में आपका आ जाता है शॉर्टकट कीज हैं कुछ एमएस वर्ड्स की उनकी और डिस्क्रिप्शन हैं जैसे आपका टूल न्यू ठीक है न्यू आपको चाहिए तो आप कंट्रोल प्लस एन को क्लिक करेंगे तो वहां पे कुछ नया डॉक्यूमेंट आप बना सकते हो न्यू पे ठीक है मतलब कुछ भी आपने न्यू डॉक्यूमेंट बनाना है तो आप कंट्रोल प्लस एन करो वहां पे आपका पेज खुल करके आ जाएगा विंडो जो भी आपको चाहिए ओपन के लिए आप कंट्रोल प्लस ओ कर लो या कंट्रोल प्लस एफ वन टू कर लो तो वहां पे क्या ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट सेव पे कंट्रोल प्लस एस कर लो शिफ्ट प्लस एफ ट्वेल्व कर लो तो वहां पे जो भी एक्टिव डॉक्यूमेंट होगा जो आपने ओपन किया होगा वो सेव हो जाएगा और ओपन सेव एज डायलॉग बॉक्स सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस ए करेंगे इससे क्या होगा जितना कंटेंट होगा पेज का वो सिलेक्ट हो जाएगा प्रिंट करने के लिए कंट्रोल प्लस पी कर लेंगे और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ ट्वेल्व कर लेंगे इससे क्या होगा एक्टिव डॉक्यूमेंट का सारा का सारा प्रिंट हो जाएगा प्रिंट प्रिव्यू कंट्रोल प्लस एफ टू करेंगे तो डिस्प्ले फुल पेज एज दे आर प्रिंटेड जो भी प्रिंट हुआ होगा वो आपके सामने खुल करके आएगा स्पेलिंग के लिए एफ सेवन आपको स्पेलिंग चेक करना है अपने एक्टिव डॉक्यूमेंट का तो एफ सेवन पर आप क्लिक करेंगे तो वो सारा आ जाएगा कट करना है किसी चीज को कंट्रोल प्लस एक्स कर लो तो जो सिलेक्टेड टेक्स्ट uh, होगा जो भी आप उस टाइम यूज कर रहे होंगे वो कट हो जाएगा कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी करेंगे तो जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट होगा वो कॉपी हो जाएगा पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी कर लेंगे ठीक है इससे क्या होगा जो भी आपके क्लिपबोर्ड पे कंटेंट होगा वो इंसर्शन पॉइंट पे आ जाएगा फॉर्मेश फॉर्मेट प्रिंटर के लिए क्या करेंगे आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी करेंगे तो कॉपी हो जाएगा सारा का सारा फॉर्मेट इन द सेलेक्टेड टेक्स्ट टू बी स्पेसिफाइड लोकेशन अंडू के लिए किसी चीज़ को आपको अंडू करना है तो कंट्रोल प्लस जेड कर लेंगे रिवर्स सर्टेन कमांड्स जो पहले आपकी थी वही आ जाएंगे रीडू के लिए कि वापस आपको वही चाहिए जो आप पहले कर रहे थे कंट्रोल प्लस वाई कर लो तो रिवर्स हो जाएगा एक्शन हेल्प के लिए आप एफ वन पे क्लिक एफ वन पे क्लिक करिए वो आपको हेल्प प्रोवाइड करेंगे एम एस वर्ड में फाइंड के लिए कंट्रोल प्लस एफ करिए ओपल फाइंड रिप्लेसिंग डायलॉग बॉक्स विद फाइंड टैप इंसर्ट के लिए कंट्रोल प्लस क्ले करिए तो लिंक इंसर्ट हो जाएगा डिलीट के लिए कंट्रोल प्लस डिलीट या कंट्रोल प्लस बैक स्पेस करिए तो जो भी आपका वर्ड में उस टाइम कर सक जिस पर भी होगा वो चीज़ डिलीट हो जाएगी इंसर्ट के लिए आप अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी कर लीजिए या आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी कर लीजिए तो जो भी करंट टाइम या डेट होगी डेट के लिए आपको डी करना है और टाइम के लिए आपको टी करना है तो वो आपका इंसर्ट हो जाएगा ठीक है उसके बाद में आता है आपका फॉर्मेटिंग टूल बार फॉर्मेटिंग टूल बार में टूल नेम है स्टाइल शॉर्टकट आ गया कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस डिस्क्रिप्शन है अप्लाइज स्टाइल और रिकॉर्ड स्टाइल फॉन्ट के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ चेंज द फॉन्ट ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट फॉन्ट साइज के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी चेंज द फॉन्ट साइज ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट बोल्ड के लिए कंट्रोल प्लस बी करना है जो भी आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट होगा वो बोल्ड हो जाएगा इटैलिक के लिए कंट्रोल प्लस आई करना है जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट होगा वो इटैलिक में हो जाएगा अंडरलाइन के लिए कंट्रोल प्लस यू करना है जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट होगा वो अंडरलाइन हो जाएगा अलाइन लेफ्ट कंट्रोल प्लस एल करेंगे जो भी पैराग्राफ होगा वो लेफ्ट की तरफ इंक्लाइन हो जाएगा सेंटर के लिए कंट्रोल प्लस ई करेंगे सेंटर में पैराग्राफ जो है आ जाएगा अलाइन राइट right की तरफ लाइन करेंगे कंट्रोल प्लस आर करिए वो राइट right की तरफ आ जाएगा जस्टिफाई करने के लिए कंट्रोल प्लस जे करिए जो भी अलाइन पैराग्राफ होगा बोथ राइट एंड लेफ्ट वो इंडेंट हो जाएगा लाइन स्पेस के लिए आपको कंट्रोल प्लस फाइव करना है तो आपकी लाइन स्पेस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी ठीक है तो ये हमारा हो गया एम एस वर्ड यहाँ कंप्लीट आई होप आपको ये वाला जो है समझ में आया होगा अच्छे से अगर कोई भी डाउट होगा तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर पूछना बाकी का सेकेंड uh, पार्ट में करेंगे कल हम स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एम एस वर्ड हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया थैंक यू